द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपने एमपी पटवारी के लिए हैंड रिटन नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं और इंग्लिश का ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर हमने टेंसेस के बारे में डिस्कस किया था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक डिस्कस कर लिया था पार्ट टू के अंदर, और ये हमारा पार्ट थ्री है जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस के बारे में। और आपको भी पता है कि हमने प्रेजेंट के पूरे टेंसेस को डिस्कस कर लिया है और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टेंस को सीखने से पहले हमें किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए पहले से ही। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस के बारे में। बिल्कुल स्ट्रक्चर उसी तरीके से हमारा चलने वाला है जिस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंसेस को पढ़ा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस। देखिए सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। और कुछ लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हमेशा की तरह जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आइडेंटिफिकेशन से शुरुआत करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन में हम हिंदी के सेंटेंसेस को किस तरीके से पहचानना है और इंग्लिश के सेंटेंसेस को किस तरीके से पहचानना है, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन, राइट। और इस आइडेंटिफिकेशन में हम इसके बाद डिस्कस करते थे स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स लिखने वाले हैं, और स्ट्रक्चर्स के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि हम पूरे स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, चाहे वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हों, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हों, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हों। इन स्ट्रक्चर्स के बाद हम अपने रूल्स पे आते थे, और रूल्स में ये देखते थे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है। तो रूल्स के बाद हम देखने वाले हैं अपने एग्जाम्पल्स को, और ये बहुत ही सिंपल सा टेंस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, राइट। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन हर एक चीज को हम देखने वाले हैं। देखिए अगर हिंदी में कोई भी सेंटेंस के लास्ट में आपको कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस दिखते हैं जिसमें कि आप देख पा रहे हो कि अगर लास्ट में आपको दिखता है कि था थे थी आता है, राइट, जैसे कि मैं गया या मैं जाता था, या इस टाइप की अगर चीजें आपको देखने को मिलती है, या फिर किसी सेंटेंस के लास्ट में ई आ जाता है या बड़ी ई आ जाती है या छोटा ऊ आ जाता है, जैसे कि मैं गया वो आई, इस तरीके के अगर सेंटेंसेस हैं तो वो पास्ट इनडेफिनिट टेंसेस के अंदर आते हैं। क्या होना चाहिए, था थे थी होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि ई यू आ, इस टाइप के सेंटेंसेस होने चाहिए लास्ट में, तो वो हमारा पास्ट इनडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे अगर वो इंग्लिश में सेंटेंस लिखा होगा, देखिए अगर किसी भी सेंटेंस के में आपको डिड दिख जाए या फिर आपको दिख जाए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे कि आई वेंट टू स्कूल दिख जाए, राइट, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और या तो डायरेक्टली अगर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख जाए या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो वो हमारा पास्ट इनडेफिनिट टेंस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, अब हम इसके स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं जिसमें कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी बात करेंगे और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। यहाँ पे अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है, और प्लस हमारा लग जाता है ऑब्जेक्ट, राइट, क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव का सेंटेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट यहाँ पे होता है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हो जाता है डिड, राइट, और डिड के बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट। और इसी के साथ अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो डिड पहले आएगा और उसके बाद हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, डिड के बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, राइट। और अगर इस फॉर्मेशन से आप चीजों को समझेंगे तो बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही होगी, वो है डिड। तो डिड का जो यूज होता है ना, वो सभी के साथ होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड का यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हो कि ये इसका जो यूज है वो सभी के साथ किया जाता है, राइट। लेकिन जब तक हम एग्जाम्पल्स को नहीं देखेंगे तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आता है कि क्या चीज बोली जा रही है, राइट। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स में मैं आपको बहुत सिंपल वे में आपको समझाता हूँ।
आप बहुत आसानी से चीजों को रिलेट कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैंने आपकी मदद की, मैंने आपकी मदद की, मैंने मैंने आपकी, मैंने आपकी मदद की, राइट। अब यहां पे देखो लास्ट में क्या आया, की आया है, बड़ी की मात्रा आई है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने को हम कहते हैं आई, और यहां पे डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है अफर्मेटिव के सेंटेंसेस में। तो हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और हेल्प की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हेल्प्ड, राइट। तो मैंने लिख दिया आई हेल्प्ड आपकी, यानी कि यू, मैंने आपकी मदद की, तो आई हेल्प्ड यू, राइट। और इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि अगर ऐसा बोला कि नेगेटिव वाले सेंटेंसेस कि मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं दी, तो आई डिड नॉट अप्लाई फॉर लीव, डिड नॉट आई, राइट। या मैंने मैंने पत्र नहीं लिखा, या उसने पत्र नहीं लिखा, है ना, उसने पत्र नहीं लिखा, उसने उसने पत्र नहीं लिखा, नहीं लिखा। देखिए नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हम कह सकते हैं शी, सी डिड, डिड के साथ में क्या आएगा, नॉट आएगा, सी डिड नॉट राइट लेटर, सी डिड नॉट राइट अ लेटर, राइट। तो बहुत सिंपल है कि कैसे ये होगा। अब इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस होंगे तो कैसे आप स्ट्रक्चर्स को स्ट्रक्चर्स में देख करके बताओगे। जैसे मैंने बोला आपसे कि आपने कल क्लास क्यों नहीं अटेंड की, आपने कल क्लास क्यों नहीं अटेंड की, राइट। आपने कल क्लास, आप कल क्लास क्यों नहीं आए, आप कल क्लास क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। अब देखिए ये नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले इसका आंसर यस या नो में तो नहीं होगा, तो वाई सबसे पहले आएगा, वाई, राइट, वाई सबसे पहले आ जाता है। और आपको भी पता है कि अगर वाई सबसे पहले आ गया है तो वाई के जस्ट बाद में आ जाएगा आपका वाई डिड यू, वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट कम कम, वाई डिड नॉट कम द क्लास, कम द क्लास यस्टरडे, राइट। तो बहुत सिंपल है चीजों को समझना, अगर आप समझना चाहते हो तो इस तरीके से आप पूरे स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कुछ लोग इसको पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि होने वाला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसी स्ट्रक्चर्स के वे में हम समझने वाले हैं सारे टेंसेस को। तो अब हमारी बारी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने की, और बहुत आसान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना। तो यहां पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस की स्पेलिंग हम लिख लेते हैं यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होने वाला है। सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं आइडेंटिफिकेशन, राइट। और आइडेंटिफिकेशन के बाद अब बारी आती है हमारे स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं, और जिस तरीके से हमने पहले के स्ट्रक्चर्स देखे हैं वैसे ये भी स्ट्रक्चर्स देखेंगे। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की जो होती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, राइट। और ये कुछ कॉमन बातें आपको अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी कोई भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, राइट। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स के बाद बारी आ जाती है रूल्स को समझने की, और रूल के बाद हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल्स के बारे में। तो हमें चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी अगर आप इस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। और यकीन मानिए अगर आपने पूरे सीरीज को देखा तो इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन हम कैसे पहचानेंगे। देखिए किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको दिखता है रहा था, क्या रहा था, रही थी, कंटिन्यूअस में कोई भी काम चल रहा था, तो वहां पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस तरीके से पहचान सकते, रहा था, रही थी, रहे थे।
तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। अगर वो हिंदी का सेंटेंस, जैसे मैं जा रहा था, राइट, आप लिख रहे थे, आप सोच रहे थे, आप अपनी तैयारी कर रहे थे, तो ये रहा था, रही थी, रहे थे आता है। और अगर इंग्लिश का सेंटेंस होता है तो इसको पहचानना बहुत आसान होता है, वॉज होता है किसी भी सेंटेंस में, या फिर आपको वर देखने को मिलेगा, वॉज या फिर वर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि ING देखने को मिलेगा, राइट। रहा था, रही थी, रहे थे, तो देखने को मिलेगा ही, वॉज वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING देखने को मिलेगा, दैट इज अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि आइडेंटिफिकेशन इसका ये होगा। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल है इसका। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के साथ में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ में आएगा वॉज या फिर वर, वॉज या फिर आ जाएगा वर, राइट। और वॉज और वर के साथ में यहाँ पे यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING यूज होता है, और साथ में ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, राइट। अगर हम इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल है, वॉज वर्ब के जस्ट बाद में नॉट आ जाता है। तो आप देखोगे कि ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ जाएगा ये वॉज, और ये फिर वर, और जस्ट इसके बाद में हमें देखने को मिलता है नॉट, और नॉट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें देखने को मिलता है ING, और प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट, राइट। तो चीजें बहुत क्लियर हैं। इसी तरीके से अगर हम इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं तो यहां भी हमें चीजें देखने को मिलती है कि वॉज वर्ब जो होता है वो सबसे पहले होता है, और इसके बाद में आपका हो जाता है सब्जेक्ट, राइट। और वॉज वर्ब के जस्ट बाद में आ जाता है सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रोगेटिव के मैंने बताए हैं कि दो तरीके के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में होता है, उस कंडीशन में तो वॉज वर्ब पहले आता है, लेकिन अगर उसका आंसर डिटेल्ड में होता है तो WH फैमिली वॉज वर्ब के जस्ट पहले आती है, राइट। अब यहाँ पे रूल्स में हमें दो चीजों के बारे में सीखना है। पहली चीज ये है कि वॉज का यूज कहाँ पे करते हैं और वर्ब का यूज कहाँ पे करते हैं। देखिए, एक चीज बहुत सिंपल है, अगर कोई सिंगुलर पर्सन है तो वहां पे आई वॉज का यूज करते हैं, आई के साथ में वॉज का यूज करेंगे, ही के साथ में वॉज का यूज करेंगे, शी के साथ में वॉज का यूज करेंगे, इट के साथ में करेंगे वॉज का यूज, या फिर किसी का भी अगर नाम है जैसे कि राम, श्याम, किसी का भी नाम है उसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम वर्ग की बात करें तो वी के साथ में हम यूज करते हैं वर्ग को, दे के साथ में हम यूज करते हैं वर्ग को, इसके अलावा यू के साथ में हम यूज करते हैं वर्ग को, या मोर देन वन पर्सन अगर होते हैं तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वहां पे भी हम वर्ग का यूज करते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर्स के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी कि किस तरीके से एग्जाम्पल्स होता है, कैसे वो लगातार जो काम करते हैं उसमें कंटिन्यूअस टेंस में वो कैसे काम करता है, राइट। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मैं कल दिल्ली जा रहा था, है ना, मैं कल दिल्ली जा रहा था, मैं कल दिल्ली जा रहा था, जा रहा था, रहा था मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। और आई के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज यूज कर सकते हैं, राइट। और जाने को हम कहते हैं गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको भी पता है स्ट्रक्चर्स, आप देखोगे तो गोइंग, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे, बहुत सिंपल है, राइट, यस्टरडे। अगर आ जाता है आपके पेपर में कि ये जो सेंटेंस है इसको चेंज करके आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर करना है तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे या टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, राइट। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, बहुत सिंपल है। वॉज को हम रिप्लेस कर देंगे, वो कब हम समझ पाएंगे, जब हमने टेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप चीजों को क्या मैं झूठ बोल रहा था, अगर एक सेंटेंस है तभी आप कैसे आप इसको बनाओगे, राइट। क्या मैं झूठ बोल रहा था, क्या मैं झूठ बोल रहा था, क्या मैं झूठ बोल रहा था। तो एक चीज बहुत सिंपल है, इसका आंसर यस या नो में होगा ना, तो वॉज सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि आई के साथ वॉज का यूज करते हैं, तो आई वॉज टेलिंग अ लाई,
आई वॉज टेलिंग, आई एन जी लग गया, आ लाए, लाए का मतलब होता है झूठ बोलना, राइट। तो ये हो गया आई वॉज टेलिंग अ लाए, राइट। और इसी तरीके से अगर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो क्वेश्चंस डिटेल में है ना, आप कैसे जा रहे थे, तो हाउ हाउ वर यू गोइंग, आप कैसे जा रहे थे, इसका आप कैसे जा रहे थे, तो कैसे को हम क्या कहते हैं, हाउ, आप कहाँ जा रहे थे, तो वेयर आर यू गोइंग, आप कैसे जा रहे थे, आप कैसे जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे, तो वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि हमें सबसे पहले तो पहचानना है सेंटेंस को कि हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में, और उसके बेसिस पे ये जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं इन स्ट्रक्चर्स की मदद से हमें सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है टेंसेस के अंदर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि होने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। अब हम किस टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा 7th नंबर का ये टेंस होने वाला है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो होने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बहुत सिंपल है टेंस, और अगर आपको अच्छी तरीके से चीजें आती हैं समझ में, तो आपको एक चीज भी बहुत अच्छी तरीके से आती होगी कि अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, ये तो आपको पता होना चाहिए, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। आइडेंटिफिकेशन के बाद में हम चर्चा करेंगे इसके बिल्कुल स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। और स्ट्रक्चर्स के बाद में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, और रूल के बाद हम चर्चा करने वाले हैं किस चीज के बारे में, रूल के बाद हम चर्चा करने वाले हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। तो चीजें बहुत सिंपल तरीके से आप सीखने वाले हो, देखो कैसे। अगर हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं ना, अगर हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है। कैसे, देखिए, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर वो काम कंप्लीट हो चुका है, राइट, चुका था, सॉरी, चुका चुका था, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ये देखने को मिल जाए चुका था, तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस टाइप के सेंटेंसेस के लास्ट में आता है अगर वो हिंदी का सेंटेंस है। चुका था, चुकी थी, और आप कैसे पहचानोगे, चुके थे, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि लिया दिया था, है ना, लिया था दिया था, इस तरीके के सेंटेंसेस भी आते हैं, आता है, राइट। तो लिया था है ना, और फिर दिया था, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं यहाँ पे। तो आप इस तरीके से पहचान पाओगे कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंसेस को कैसे पहचानोगे। बहुत सिंपल है, हमेशा हेड आता है और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बस यही इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं और हम अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं और समझने भी वाले हैं कि कैसे चीजें काम करती हैं, राइट। देखो, अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करूं, तो मैंने बताया है कि जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। और सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर ही मैंने डिस्कस कर दिया था कि क्या होते हैं। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आता है हैड, राइट, और हैड के साथ में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है ये भी मैं बता चुका हूँ, जैसे कि गो, वेंट, गॉन है, तो ये थर्ड फॉर्म होती है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है सेंटेंसेस में, इंग्लिश के सेंटेंसेस में। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में जहां पे हैड के बाद में क्या लग जाता है, हैड के बाद में लग जाता है नॉट, राइट, और फिर लग जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आता है इसके साथ में। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ पाते हैं और अच्छी तरीके से देख भी पाते हैं।
नॉट कहां पे लगता है, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हैड सबसे पहले आता है और इसके साथ में, हैड के जस्ट बाद में आपका आ जाता है सब्जेक्ट, राइट, और इसके बाद में आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आ जाता है ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रूल्स में हम किन चीजों के बारे में बात करते हैं। रूल बहुत सिंपल है, हैड सभी के साथ यूज होता है और इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता कि जो हैड है वो सभी के साथ में यूज होता है। जो हैड वर्ड है ना वो सभी के साथ यूज होता है, आई वी यू दे ही शी इट, किसी का नाम हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी के साथ यूज होता है। तो ये हैड सभी के साथ यूज किया जाता है, राइट। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं चीजों को कि कैसे और किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस के अंदर, राइट। जैसे कि मैं काम कंप्लीट कर चुका था, राइट, मैं काम कंप्लीट कर चुका था, इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आते हैं तो क्या होता है। जैसे कि मैं काम पूरा कर चुका था, पूरा कर चुका था, राइट, तो क्या होगा, आई के साथ लग जाएगा सिंपल हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैड डन या आई हैड वॉक्ड, मैं काम पूरा कर चुका था, राइट, आई हैड कंप्लीटेड माय वॉक, राइट, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, तो इसका ये भी बन सकता है कि आई हैड कंप्लीटेड, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है, आई हैड कंप्लीटेड वॉक, मैं काम पूरा कर चुका था। इसी तरीके से अगर सेंटेंसेस में कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस आए कि बारिश हो चुकी थी, राइट, बारिश हो चुकी थी, आपको भी पता है कि यहां पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो इट लगा देंगे, इट हैड रेंड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और क्या आप वहां पहुंच चुके थे, आप वहां कैसे पहुंचे थे, चलिए इसको बनाते हैं, आप वहां कैसे पहुंचे थे, आप वहां कैसे पहुंच चुके थे या पहुंचे थे, दोनों ही चीजें। तो देखो सबसे पहले कैसे है ना, तो ये आ जाएगा हाउ, राइट, हाउ के साथ में आ जाएगा हाउ हैड यू रीच्ड देयर और क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी क्या कहानी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। बहुत सिंपल सी कहानी है और अच्छी तरीके से हम चीजों को समझ भी पाएंगे। इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये क्या चीज होता है, बहुत सिंपल है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे आप इसको समझोगे, बहुत सिंपल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन यहां पे इसकी हम समझेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन में आपको मैंने बताया है कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो बीन आता है और टाइमिंग वहां पे आ जाती है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम चर्चा करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और स्ट्रक्चर के बाद हम चर्चा करते हैं रूल्स के बारे में। और रूल्स बहुत सिंपल है, यहाँ पे वही पुराने वाले रूल्स, सिंस फॉर का यूज कैसे करना है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, राइट, और फिर हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे एग्जाम्पल के बारे में, राइट, चलिए ऊपर चलते हैं और सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके आइडेंटिफिकेशन क्या कहते हैं,
क्या होता है इसका आइडेंटिफिकेशन और कैसे आप पहचानोगे इस सेंटेंसेस को या इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानोगे। पहचाना बहुत आसान है कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में टाइम के साथ, समय के साथ, समय के साथ क्या आता है इसमें, समय के साथ, समय के साथ यहां पे देखने को मिलेगा आपको रहा था, रही थी, रहे थे। समय के साथ रहा था, राइट, रही थी और रहे थे। मैं 2 घंटे से हम खेल रहे थे, राइट। तो ये चीजें होती हैं। और यहां पे हैड होता है इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में, बीन होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलता है आई एन जी। बहुत सिंपल है इसका आइडेंटिफिकेशन को समझना। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स किस तरीके से होते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव की बात करें चाहे वो नेगेटिव की बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, चलिए अब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर्स किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स के बारे में, फिर नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स के बारे में, फिर इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो चीजें बहुत सिंपल है। देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको जैसे कि पता है कि हैड आता है, और हैड के बाद में बीन आता है, और बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी आता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है, और साथ में ही आपको देखने को मिलता है सिंस या फोर, राइट। क्या देखने को मिलता है, सिंस या फिर फोर देखने को मिलता है, और फिर ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, राइट। तो बहुत सिंपल चीजें हैं यहाँ पे, चीजों को समझना आसान है। थोड़ा सा ये ऊपर हो चुका है तो यहाँ पे नीचे ला लेते हैं, राइट। ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर वो नेगेटिव का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हेड होता है, और हैड और बीन के बीच में नॉट होता है। जो नॉट वर्ड होता है ना, वो हैड और बीन के बीच में होता है, बीन, राइट। और फिर वर्ब की हमेशा से आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाता है आई एन जी, प्लस लग जाएगा आपका सिंस या फिर फॉर, और फिर लग जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ पाओगे। फिर इसी तरीके से अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो किस तरीके से वो काम करेगा, सबसे पहले तो हैड आ जाएगा, हैड के बाद में सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है बीन, और बीन के ही जस्ट बाद में आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आ जाता है आई एन जी, प्लस फिर वही सिंस या फिर फॉर में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, और फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। रूल्स क्या कहता है, देखिए सिंस का यूज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये यूज कहाँ पे आपको देखने को मैंने बताया है, मैंने बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। जो मैंने सिंस का यूज बताया है वही सेम है, है ना, सेम सिंस का यूज जो वहां पे करेंगे वही यहां भी होगा। फोर का भी यूज मैं बता चुका हूं, सेम इसी टेंसेस के अंदर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब हैड, हैड जो है उसका यूज सभी के साथ होता है। किसके साथ होता है, सभी के साथ हैड का यूज किया जाता है। और सिंस के यूज करते हैं जब टाइम फिक्स हो, आप ऐसा समझो जैसे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, 2003 हो, आफ्टरनून हो, है ना, स्टेज ऑफ लाइफ हो, जैसे चाइल्डहुड, एडल्टहुड से कोई काम कर रहे हो, लास्ट नाइट हो, तो वहां पे सिंस का यूज करते हैं। जब टाइम फिक्स नहीं हो, या कि 2 घंटे से काम कर रहा हूँ या 3 महीने से कर रहा था, तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। तो ऐसा नॉर्मली आप समझ सकते हो, वहां पे सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन भी करी है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो चीजें हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू आप और अच्छी तरीके से रिलेट भी कर पाओगे कि किस तरीके से चीजें वो काम कर रही हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है और आसान भी है। वो कैसे, देखो कि मैं 2 घंटे से खेल रहा था, मैं दो घंटे से खेल रहा था, राइट। तो क्या होगा, आई के साथ लगता है हैड, आई हैड बीन प्लेइंग कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स,
फोर 2 आवर्स, राइट। क्या आप तीन बजे से आ रहे थे? क्या आप 3 बजे से आ रहे थे? क्वेश्चन वाला ये है, क्या आप 3 बजे से आ रहे थे? इसका आंसर यस या नो में होगा। उस कंडीशन में हैड सबसे पहले आ जाएगा। हैड यू बीन, क्या होगा? हैड यू बीन बीन राइट, हैड यू बीन कमिंग, आ रहे थे यानी कि कमिंग, हैड यू बीन कमिंग सिंस सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। तो चीजें बहुत सिंपल है ये, क्या आप 3 बजे से आ रहे थे, तो हैड यू बीन कमिंग सिंस 3 o'clock। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि मैं वहां नहीं जा रहा था या हम वहां नहीं जा रहे थे, हम वहां सोमवार से नहीं जा रहे थे, हम वहां सोमवार से नहीं जा रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन गोइंग, नॉट बी गोइंग देयर देयर सिंस मंडे। तो चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे ये चल रहा है, ये सेंटेंस कैसे हम एग्जांपल्स बनाते हैं। तो अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बारी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझने की। इससे पहले कि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताऊं, सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता दूंगा फ्यूचर के अंदर, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, राइट। देखिए, अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं, तो चलिए जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है हमारा टेंस नंबर 9 होने वाला है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा 9th नंबर का टेंस है और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आप अगर ऐसा बोलते हैं कि मैं वहां जाऊंगा या हम आएंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वही कहलाता है। देखिए, चीजें बहुत आसान है अगर आप इसको समझना चाहते हो। तो अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझोगे तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, कि आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और स्ट्रक्चर्स के साथ ही हम चर्चा करेंगे इसके रूल्स के बारे में, फिर हम एग्जांपल्स पे भी आएंगे और उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स के अंदर हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स, नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कंप्लीटली। देखिए, अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें तो चीजें बहुत आसान है, कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाता है गा या फिर गे या फिर गी, गा गे गी, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, गा गे गी, राइट। लेकिन अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानना चाहते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है विल और दूसरा होता है शैल। ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं, साथ में वर्ब की आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट फॉर्म, केवल फर्स्ट फॉर्म, राइट। अगर हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले होता है और विल सेल के बाद में नॉट आता है। विल सेल के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा, और इसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है।
लेकिन अगर हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं, जब भी कि क्या आप वहां नहीं जाओगे, इसका आंसर यस या नो में होगा, उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आगे होती है, यानी कि विल सेल सबसे आगे होगा, इसके बाद हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, और फिर जो वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, और इसके साथ में ही जो क्वेश्चन मार्क है वो भी इसके साथ आ जाता है। लेकिन रूल में मैं आपको एक चीज बिल्कुल एक नोट के साथ भी बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस आप देखेंगे। देखिए, सिंपल रूल ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है, अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है, तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, और बाकी जितने भी बचे, बाकी सभी के साथ विल का, बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाता है। लेकिन बट एक नोट भी है, वो क्या, जो अभी जितनी भी आप बुक्स देखोगे, नई और ग्रामर की बुक देखोगे, तो वहां पे विल का यूज सभी के साथ किया जाता है, और बेसिकली शैल को खत्म ही कर दिया है, बिल्कुल न के बराबर ही अब यूज किया जाता है। क्योंकि होता है क्या, जब हम मॉडल्स पढ़ते हैं ना, तो वहां पे आई के साथ कहते हैं ना, आई विल गो, मैं जाऊंगा, विल अगर वहां पे यूज कर दिया ना, मतलब उसकी कहते हैं ना कि पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, बस यही है। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि विल का यूज सभी के साथ कर सकते हैं, विल का यूज सभी के साथ कर सकते हैं। कैसे, इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि अगर मैं कहते हैं, एक मैं एग्जांपल देता हूं और उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं सेंटेंस में बोल रहा हूं ना कि मैं घर जाऊंगा, अगर ये सेंटेंस बहुत ही नॉर्मल बोल रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं आई शेल गो टू होम, मैं घर जाऊंगा, आई शेल गो टू होम। लेकिन अगर इस सेंटेंस में मैं ऐसा बोल रहा हूं, आई विल गो टू होम, मतलब इस बात की संभावना ज्यादा है कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा ही, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उस बात पे आप जोर दे करके बोलते हो, यानी कि ये गलत नहीं होगा सेंटेंस अगर मैं विल का यूज कर दूंगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि स्टार मार्क करके, कि विल का यूज सभी के साथ कर सकते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जाता है, राइट, बिल्कुल मॉडर्न इंग्लिश में ये किया जा रहा है, मॉडर्न इंग्लिश में ये मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट है, राइट। बाकी अगर एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो आई शेल गो टू होम, ये मैंने आपको बेसिक्स आपको बता दिए कि आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ में विल का यूज करते हैं, ये रूल कहता है। अब आपको जो सुटेबल लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस में मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, राइट। अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे तब तक चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी, राइट। लेकिन हम वही बेसिक्स वाले रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपने अभी सेंटेंसेस को बनाएंगे। विल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शैल को भी आपको समझना पड़ेगा, उसको आपको छोड़ना नहीं है, राइट। तो एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते थे। अब एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। अगर मैंने ऐसा बोला कि क्या क्या आप दिल्ली जाओगे, मैंने एक सेंटेंस बोला आपसे कि क्या आप दिल्ली जाओगे, आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे, एक सिंपल सेंटेंस मैंने बोला, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, सिंपल है। क्यों, अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि वह पत्र नहीं लिखेगी, वह पत्र नहीं लिखेगी, नहीं लिखेगी, राइट। तो वह है ना, तो शी होगा, शी के साथ में हम विल का यूज करेंगे, शी विल नॉट राइट लेटर, शी विल नॉट राइट अ लेटर, नॉट राइट अ लेटर, तो बहुत सिंपल है चीजें। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि वे या मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा,
तो आई शैल नॉट गो देयर, आई शैल नॉट गो देयर, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है। तो अभी तक हमने समझा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, सिंपल टेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है, कैसे हम उस टेंस को बनाएंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे आ जाते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है, बहुत सिंपल है चीजों को समझना। तो चलिए बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, सबसे पहले तो इसके हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, और फिर हम इसके बाद बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे इसके हम स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट। जब हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे तो चीज़ें और हमें समझ में आएगी, जिसमें कि हम अफर्मेटिव रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे, नेगेटिव रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे और इंट्रोगेटिव रिलेटेड भी सेंटेंसेस को बनाएंगे। इसके बाद हम रूल्स के बारे में बात करेंगे, रूल्स बेसिकली वही होंगे जो पहले हैं, विल और शैल का यूज किसके साथ किया जाता है। फिर हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरीके के सेंटेंसेस होंगे। देखिए किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर हिंदी का सेंटेंस है तो वहां पे आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, राइट। कैसे सेंटेंसेस आएंगे, रहा होगा और रही होगी, और इसके साथ में आता है रहे होंगे, राइट। मतलब वे जा रहे होंगे, हम खेल रहे होंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में कंटिन्यूअस की बात करते हैं कि कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, आ रहे होंगे, है ना, बातें कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो आपको विल और शैल, और विल शैल के साथ में आपको बता दूं बी देखने को मिलता है, बी, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी होती है, ING लगी होती है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी ये चीज ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में विल और या फिर शैल होगा, और विल शैल के बाद में हो जाता है बी, और फिर जो वर्ब होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट लगा होता है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसके साथ में अगर नेगेटिव का सेंटेंस होता है तो विल और शैल बी के बीच में नॉट आता है, यानी कि सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में विल शैल होता है, और विल शैल के जस्ट बाद में लग जाता है नॉट, और नॉट के बाद में लगता है बी, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाता है इसमें आई एन जी, और प्लस ऑब्जेक्ट आपका इसके अंदर आता है। साथ ही साथ में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो यहाँ पे लगेगा सबसे पहले तो विल या फिर शैल, और फिर सब्जेक्ट आपका देखने को मिलता है, विल शैल के साथ में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ जाता है बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, और प्लस ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन मार्क। जब भी हमारा आंसर यस या नो में होता है तो विल सेल सबसे आगे होता है, यानी कि विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये सारी चीजें हैं। अब हम रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि रूल्स का क्या है, किस तरीके से लॉजिक्स इसका काम करता है। मैं आपको बता चुका हूं कि विल का जो यूज है, विल का यूज और शैल का यूज मैं आपको बता चुका हूं आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का यूज, बाकी के साथ, बाकी बचे के साथ, बाकी के साथ विल का यूज, मतलब आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम खेल रहे होंगे, हम खेल रहे होंगे, अगर एक सेंटेंस ऐसा है कि हम
हम खेल रहे होंगे, तो क्या होगा? वी, और वी के साथ में हम क्या यूज करेंगे? शेल, वी शेल बी प्लेइंग। अच्छा, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि यहाँ पे क्या मैं वी का यूज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मतलब ये होगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि आप खेल रहे होंगे। विल का यूज कर दिया तो, यानी वहां पे आप उस चीज को डिटरमाइन करने लगते हो अगर विल का यूज कर दिया है तो, राइट। अब इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि आप क्रिकेट देखने जा रहे होंगे, राइट। तो यू विल बी गोइंग, आप जा रहे होंगे कहाँ? टू वॉच क्रिकेट मैच, आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे होंगे, आप क्रिकेट देखने जा रहे होंगे। यू विल बी गोइंग टू वॉच क्रिकेट, टू वॉच क्रिकेट, राइट। अब मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या मैं खेल रहा हूंगा, क्या मैं खेल रहा होऊंगा, तो होगा शैल, शैल आई बी प्लेइंग, शैल आई बी प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूंगा, आई शैल बी प्लेइंग, शैल आई बी प्लेइंग होगा, क्या मैं खेल रहा हूंगा, मैं कैसे खेल रहा हूंगा, तो हाउ शैल आई बी प्लेइंग होगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब बारी है पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने की। तो चलिए अब हम समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के हैंड रिटन नोट्स को प्रिपेयर करने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हमारा टेंस नंबर 11 होने वाला है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो होगा हमारा, पास्ट बोल रहा हूँ, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमारा कौन सा था? ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो कि 10th नंबर का था, और इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, राइट, जो कि हमारा ये 9th नंबर का टेंस था, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखा हमने, फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस देखा, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद हमने, अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल वे में, सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें समझना होगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, STRUCTURE स्ट्रक्चर, जिसमें कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन तीनों चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ में हम चर्चा करेंगे आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर्स के बाद में हम रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे, और रूल्स बेसिकली वही होंगे जो पहले के हैं, आई और शैल और विल का, राइट। और फिर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, राइट, क्या एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स फ्यूचर में ऐसा काम जो आप कर चुके होंगे उस तरीके की चीजों को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बार बार पास्ट में बोल रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक चीज बहुत कॉमन है, मैंने आपको बताई है कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं वो सारे टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और अगर हिंदी का सेंटेंस है तो किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ऐसा दिख जाए चुका होगा, एक सिंपल सा फॉर्मेशन बता देता हूं मैं, चुका होगा, चुकी होगी, या फिर चुके होंगे, चुके होंगे, अगर इस तरीके का कोई भी आइडेंटिफिकेशन अगर आपको दिखता है हिंदी के सेंटेंसेस में, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, इस चीज को आप समझिए। और अगर अगर विल शैल के साथ में, विल शैल के साथ में हैव दिख जाए, ये वो हैव नहीं है,
जो हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, ये हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है जो कि विल शैल के साथ में आएगा, राइट। विल शैल हैव, ये मेन ये समझो हैव है, जैसे उसमें बी था ना कंटिन्यूअस में, ये हैव है। विल शैल हैव के साथ में वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आती है। आप ये भी कह सकते हो विल हैव शैल हैव यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। बहुत सिंपल होगा इसका स्ट्रक्चर। कैसे, देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको देखने को मिलेगा विल या फिर शैल, और विल शैल के बाद में आपको देखने को मिलेगा हैव, और विल शैल हैव के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी, थर्ड फॉर्म, और प्लस आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट, राइट। हमेशा परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये मैं आपको पहले ही दिन बता चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट में ही बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेगेटिव वाले सेंटेंसेस पे आ जाता हूँ। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में विल शैल होता है, और विल शैल के बाद में आप देखोगे कि नॉट होगा, और नॉट के जस्ट बाद में हैव होगा, राइट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या प्लस ऑब्जेक्ट। तो चीजें बहुत सिंपल है। विल शैल और हैव के बीच में नॉट आता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो विल शैल सबसे पहले आएगा, और इसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, और फिर इसके बाद में आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर। रूल्स के बारे में वापस से हम बात कर लेते हैं कि विल और शैल का यूज कहाँ पे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। विल और शैल का यूज कहाँ पे करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो आई और वी के साथ यूज करना है, और बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ कर कर तो सभी के साथ कर सकते हैं, बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ विल का यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ आएंगी, राइट। हम पहुंच चुके होंगे, हम पहुंच चुके होंगे, चुके होंगे बताए, तो क्या होगा विल, वी, आई और वी के साथ शैल के यूज करते हैं। वी शैल हैव, वी शैल हैव रीच्ड, थर्ड फॉर्म आएगी ना तो रीच्ड होगा, है ना। आप वहां नहीं जा चुके होंगे, नहीं जा चुके होंगे, आप वहां नहीं जा चुके होंगे, या आप वहां नहीं गए होंगे, इस तरीके का सेंटेंस हो तो यू विल नॉट हैव गॉन देयर, राइट। अगर ऐसा सेंटेंस हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा कि आप वहां कैसे पहुंच, आप वहां कैसे गए होंगे, राइट, या फिर आप कैसे पहुंच चुके होंगे, आप क्या आप पहुंच चुके होंगे, क्या क्या मैं पहुंच चुका होऊंगा, क्या मैं पहुंच चुका होऊंगा, क्या मैं पहुंच चुका होऊंगा, तो क्या होगा क्या मैं पहुंच चुका होऊंगा, तो ये होगा शैल, शैल आई हैव रीच्ड, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल जिसमें कि आप ये समझ पाए होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरीके का होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को देख लिया है और समझ भी लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमारा लास्ट टेंस होने वाला है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में।
अब हम अपने लास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि 12th नंबर का टेंस होने वाला है, और ये टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, टेंसेस के क्या आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले उसके आइडेंटिफिकेशन को हम देखेंगे, राइट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन, राइट, आइडेंटिफिकेशन, राइट। और फिर हम चर्चा करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हम बात कर लेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। और स्ट्रक्चर के बाद हम बात कर लेंगे रूल के बारे में, इसके क्या रूल्स हैं। और रूल के बाद फिर हम एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस तरीके से हमने सारे टेंसेस बहुत आसानी से आपने समझे होंगे और नोट डाउन किया होगा, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएंगी। चलिए सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में टाइम के साथ, क्या समय के साथ, फ्यूचर में कंटिन्यूअस चल रहा हो, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बहुत सिंपल है, आपको विल, शैल के साथ में हैव बीन, क्या हैव बीन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर टाइमिंग है तो आपको भी पता है सिंस और फॉर देखने को मिलता है। तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले अपने अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे, नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे, और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम समझने वाले हैं वो होने वाला है हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, फिर नेगेटिव का स्ट्रक्चर, फिर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप इनके स्ट्रक्चर्स को समझने वाले हो। बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले तो सब्जेक्ट आपका आता है, राइट। सब्जेक्ट के बाद में विल सेल आएगा, और विल सेल के बाद आप यूज करोगे हैव बीन, क्या हैव बीन यूज करोगे, प्लस जो भी आपकी वर्ब है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी यूज करोगे, प्लस सिंस या फोर आपका आएगा, और सिंस फोर के साथ में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव के बारे में बात करेंगे तो विल सेल और हैव बीन के बीच में नॉट आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में विल शेल, राइट। विल शेल के साथ में हम यूज कर लेंगे नॉट, और नॉट के जस्ट बाद में हैव बीन, क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस है तो हम हैव बीन नॉट के बाद में यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फी ठीक फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ में सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, क्या सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये है आपका सिंपल सा, ये इसका नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं। यहां पे आप देखोगे विल शेल, राइट, प्लस सब्जेक्ट है, विल शेल के बाद क्या है सब्जेक्ट है, प्लस हैव बीन, विल शेल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्या सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे, और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। रूल्स बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया कि विल का यूज कैसे करना है, शैल का यूज कैसे करना है, सिंस का यूज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं,
और फॉर का यूज भी हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो पहले जितने भी चीजें हमने सीखी हैं उन सब का, देखिए विल का फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आई देखिए सेल आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ, बाकी जितने भी बचे बाकी सभी के साथ। वैसे सभी के साथ भी हम विल का यूज कर सकते हैं, इस फ्यूचर टेंसेस के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि विल का यूज किस किस के साथ में होगा। सिंस या फोर का यूज सेम उसी तरीके से होगा जो हमने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल सेम होगा। कंटिन्यूअस टेंस में जो हमने सीखा है सिंस फोर का यूज वही होगा, सिंस का यूज करते हैं मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून चाइल्डहुड एडल्टहुड 2003 दिया हो जनवरी दिया हो मंथ का नाम दिया हो तो वहां पे सिंस का यूज करते हैं, स्टेज ऑफ लाइफ दिया हो चाइल्डहुड दिया हो लास्ट नाइट दिया हो राइट तो वहां पे सिंस का यूज करते हैं। जब टाइम हमें नहीं पता हो अनफिक्स हो यानी कि 2 आवर्स दिया हुआ हो 5 मंथ्स दिया हुआ हो 5 ईयर्स दिया हो तो वहां पे हम फोर का यूज करेंगे, राइट। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और हमें चीजें क्लियर होने वाली हैं इस टेंसेस से रिलेटेड। जैसे कि हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, अगर इस तरीके का क्या होगा कि हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, हम दो घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, चलिए ये बना लेते हैं नहीं पढ़ रहे होंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि आप 2 घंटे से बाद नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या होगा वी और आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, वी शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। बहुत सिंपल है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आई मतलब कुछ इस तरीके का सेंटेंस हो कि हम वहाँ 5 घंटे से ये काम कर रहे होंगे, राइट, और क्या मैं 10 घंटे से लिख रहा हूँ, क्या मैं 10 घंटे से लिख रहा हूँ, क्या मैं दस घंटे से लिख रहा हूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या है ना इसका आंसर यस या नो में होगा। तो इस कंडीशन में हम शैल को सबसे पहले रखेंगे, शैल आई हैव बीन राइटिंग फॉर 10 आवर्स, राइट। इसी तरीके से हो सेंटेंस हो सकता है कि लड़के सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। क्या लड़के पतंगे उड़ा रहे होंगे, तो फिर तो विल्शेल आ गया जाएगा। अब इसको हम कहते हैं बॉयज, लड़कों के कहते हैं बॉयज, द बॉयज विल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स since morning। तो ये हो गया completely हमारा future perfect continuous tense, right? तो आपको समझ आ चुका होगा कि future perfect continuous tense क्या होता है, future perfect tense क्या होता है, राइट। इसके अलावा आपने समझा होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, परफेक्ट के बाद हमने कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, और यहीं पे मैंने सारे रूल्स को डिस्कस कर दिया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये जो टेंस है हमारा, ये हमारा टेंस नंबर 8 था,
कौन सा था ये? हमारा टेंस नंबर 8वें नंबर का ये टेंस था, राइट। तो ये भी आपने देखा होगा, राइट। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पास्ट परफेक्ट टेंस भी आपने देखा होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा, एक बार फिर से आप देखना। और कंटिन्यूअस टेंस भी आपने देखा होगा, जो कि हमारा ये आप कह सकते हो कि 6th नंबर का ये टेंस था हमारा, राइट। और इसके अलावा ये जो हमारा 5th नंबर पे था टेंस, जिसको हमने देखा था, वो पास्ट इनडेफिनिट टेंस था। कौन सा था ये? हमारा पास्ट इनडेफिनिट टेंस था, राइट। इसके अलावा जो हमने देखा प्रेजेंट के बारे में कम्प्लीटली, जो रूल सिंस और फोर का, ये हर जगह काम आएगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये हर जगह काम आएगा जहाँ भी सिंस फोर होगा, राइट। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हमने देख लिया था। और इसके अलावा इसके परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ साथ में कंटिन्यूअस भी आपने देखा होगा पहले के पार्ट्स में, राइट। और इनडेफिनिट भी देखा होगा। और इसके पहले टेंस को सीखने से पहले किन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर चुके हैं, राइट। तो ये सारा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर जो टेंसेस के बारे में हमने चर्चा करी थी, वो कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।